नमस्कार, सनमार्ग डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना सिंह। तो आइए जान लेते हैं कैसा रहेगा आपका 3 मार्च 2024 से लेकर 9 मार्च 2024 तक का राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र में कोई नए परिवर्तन की संभावना बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में भी अच्छी मजबूती आ सकती है। फिर भी अपनी बचत का सही उपयोग आवश्यक होगा, अन्यथा अर्थ हानि की भी संभावना रहेगी। मान सम्मान बढ़ेगा और कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। देव कृपा से अच्छी भावना बनी रहेगी। दिनांक 3 को हैरानी, 4 को उत्साहहीनता, 5 को सुधार, 6 को लाभ, 7 को प्रगति, 8 को सुख, 9 को मेल मिला। मेष लगने के लिए सप्ताह प्रगति कारक रहेगा। शुभ दिन 6 से 8 मार्च एवं शुभ अंक 1, 4 और 7। अच्छे परिणाम के लिए दही और चीनी का दान करना लाभदायक रहेगा। वृष राशि। काम धंधे को लेकर व्यस्तता बढ़ेगी और सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले अधिक अनुकूलता पा सकते हैं। विरोधी भी कुछ न कुछ लाभ करा दे सकते हैं। कोई भी निर्णय लेते समय दुविधा की स्थिति से बचे रहना अच्छे परिणाम को सुनिश्चित कर सकता है। परोपकार में रुचि और खर्च भी होगा। दिनांक 3 को मनोरंजन, 4 को सामान्य, 5 को थकान, 6 को चिंता, 7 को प्रगति, 8 को लाभ और 9 को सहयोग। वृष लग्न के लिए सप्ताह रुका काम बना सकता है। शुभ दिन 3, 8 और 9 मार्च एवं शुभ अंक 3, 6, 9। अच्छे परिणाम के लिए काले तिल का दान करना लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए व्यवहार कुशल बने रहना कामकाज को लेकर पग पग पर राहत प्रदान कर सकता है। नियमित आय में कोई रुकावट होना संभव नहीं होगा। भविष्य की योजना बनाना उचित होगा और इसके लिए साधन की व्यवस्था भी हो ऐसा कार्यक्रम बनाना होगा। जहां तक हो सके वाद विवाद से दूरी बनाए रखना अच्छा रहेगा। दिनांक 3 को खान पान, 4 को लाभ, 5 को प्रगति, 6 को सुख, 7 को हैरानी, 8 को कष्ट, 9 को समाधान। मिथुन लग्न के लिए सप्ताह मिला जुला परिणाम दे सकता है। शुभ दिन 3 से 5 मार्च एवं शुभ अंक 5, 7 और 9। अच्छे परिणाम के लिए सादे फल का दान करना लाभदायक रहेगा। कर्क राशि। कामकाज की स्थिति ठीक रहने पर भी उसके परिणाम से संतोष होना कठिन हो सकता है। कोई नई समस्या अचानक उत्पन्न हो सकती है जिसकी कल्पना नहीं होगी। आपसी संबंधों में सामान्य स्थिति बनाए रखना प्रसन्नता देगा। प्रशासनिक क्षेत्र में सावधानी पूर्वक व्यवहार करना रुकावटों को कम कर सकता है। दिनांक 3 को मेल मिलाप, 4 को प्रगति, 5 को सुख, 6 को लाभ, 7 को सहयोग, 8 को सामान्य, 9 को रुकावट। कर्क लगने के लिए सप्ताह समझदारी से निर्णय लेने का होगा। शुभ दिन 4 से 6 मार्च एवं शुभांक 2, 6 और 9। अच्छे परिणाम के लिए हरी सब्जियों का दान करना लाभदायक रहेगा। सिंह राशि। किसी न्यायिक समस्या का समाधान हो सकता है किंतु किसी दूसरी तरह की समस्या से सावधान रहना होगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी दैवी कृपा से पार किया जा सकता है जिसके लिए प्रार्थना आवश्यक होगा। विवादित व्यक्ति और विषय से जितना संभव हो सके दूरी बनाए रखना शांति देता रहेगा। दिनांक 3 को तनाव, 4 को सामान्य, 5 को लाभ, 6 को सुख, 7 को प्रगति, 8 को सहयोग, 9 को खान पान। सिंह लग्न के लिए सप्ताह सुखद हो सकता है। शुभ दिन 5 से 7 मार्च एवं शुभांक 3, 7 और 9। अच्छे परिणाम के लिए काले फल का दान करना अच्छा रहेगा। कन्या राशि। कर्म क्षेत्र में जितनी अधिक स्पष्टता होगी उतना ही अधिक प्रगति की संभावना बनती रहेगी। दुविधा में रहकर कोई भी व्यवहार करना भविष्य को प्रभावित कर सकता है। कोई पुरानी शत्रुता अचानक ही मित्रता में परिवर्तित होकर अच्छा परिणाम दे सकता है। आर्थिक स्थिति उन्नति की ओर बनी रह सकती है। दिनांक 3 को विश्राम, 4 को सामान्य, 5 को चिंता, 6 को हैरानी, 7 को समाधान, 8 को लाभ, 9 को प्रगति। कन्या लग्न के लिए सप्ताह प्रगति कारक हो सकता है। शुभ दिन 3, 4 और 9 मार्च एवं शुभ अंक 2, 4 और 8। अच्छे परिणाम के लिए पीले केले का दान करना लाभदायक रहेगा। तुला राशि। आर्थिक उतार चढ़ाव के रहते हुए भी कामकाज में शायद ही कोई रुकावट आ सके। अपने सद्व्यवहार से प्रतिकूल स्थिति कोई भी अनुकूल बनाए रखने में सफलता मिलेगी जिसकी प्रशंसा विरोधी भी करते रहेंगे। किसी पुरानी समस्या जिसे दूर नहीं किया गया है वह तनाव पैदा करती रह सकती है। दिनांक 3 को खान पान, 4 को लाभ, 5 को आनंद, 6 को प्रगति, 7 को चिंता, 8 को तनाव, 9 को समाधान। तुला लग्न के लिए सप्ताह व्यवहार कुशल बने रहने का होगा। शुभ दिन 3 से 5 मार्च एवं शुभ अंक 2, 4 और 6। अच्छे परिणाम के लिए लाल गुलाब जामुन का दान करना लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि। मानसिक उलझन के बीच यदि कोई निर्णय लेना पड़े तो अभी उसे टाल देना उचित होगा। किसी आर्थिक विवाद का सही समाधान पाने के लिए आपसी सद्भाव की आवश्यकता होगी। कानूनी विवाद से नहीं उत्साह बनाए रखने से तनाव में कमी आएगी और घर गृहस्थी की समस्या थोड़े प्रयास से दूर हो सकती है। दिनांक 3 को मनोरंजन, 4 को सुख, 5 को लाभ, 6 को प्रगति, 7 को सहयोग, 8 को सामान्य और 9 को चिंता। वृश्चिक लग्न के लिए सप्ताह सुखद हो सकता है। शुभ दिन 4 से 6 मार्च एवं शुभ अंक 1, 5 और 9। अच्छे परिणाम के लिए गुड़ का दान करना लाभदायक रहेगा।
धनुराशि। कर्म क्षेत्र में नए नए रहस्य खुल सकते हैं और नई नई अनुभूति भी प्राप्त हो सकती है। सद्व्यवहार सबको अनुकूल बनाए रखेगा, सिवा उनके जो पुराने विरोधी होंगे। आर्थिक प्रगति का मार्ग भी बनता रहेगा, जिससे नए नए काम सोचने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, किंतु यही सावधानी की भी आवश्यकता पड़ती रहेगी। दिनांक 3 को खर्च, 4 को सामान्य, 5 को प्रगति, 6 को सुख, 7 को सहयोग, 8 को लाभ, 9 को मनोरंजन। धनु लग्न के लिए सप्ताह लाभप्रद रहेगा। शुभ दिन 5 से 7 मार्च एवं शुभ अंक 2, 6 और 8। अच्छे परिणाम के लिए उड़द का दान करना लाभदायक रहेगा। मकर राशि। आर्थिक सुविधाएं बढ़ती रहेंगी, बचत भी किया जा सकेगा और कर्म क्षेत्र की छिटपुट घटनाओं का समाधान भी होता रहेगा, किंतु कोई भी मनमाना निर्णय कोई ऐसी समस्या पैदा कर देगा जिसका समाधान कुछ समय तक कठिन बना रहेगा। भविष्य की अपेक्षा वर्तमान पर ही दृष्टि बनाए रखना उचित होगा। दिनांक 3 को खान पान, 4 को सामान्य, 5 को हैरानी, 6 को खर्च, 7 को सुधार, 8 को लाभ और 9 को सुख। मकर लग्न के लिए सप्ताह आनंददायक हो सकता है। शुभ दिन 3, 8 और 9 मार्च एवं शुभ अंक 1, 5 और 7। अच्छे परिणाम के लिए हरे फल का दान करना लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि। आय से अधिक खर्च की स्थिति बने रहने से मानसिक चिंता हो सकती है और संभव है कि कोई आवश्यक काम कुछ समय के लिए रोक देना पड़े। फिर भी सही समय पर किसी मित्र की सहायता कठिन से कठिन प्रश्नों का समाधान कर दे सकती है और भविष्य के लिए भी अच्छी संभावना बन जा सकती है। दिनांक 3 को विश्राम, 4 को लाभ, 5 को प्रगति, 6 को सुख, 7 को हैरानी, 8 को खर्च और 9 को समाधान। कुंभ लगने के लिए सप्ताह स्वास्थ्य पर ध्यान रखने का होगा। शुभ दिन 4 से 6 मार्च एवं शुभ अंक 3, 5 और 8। अच्छे परिणाम के लिए गुलाब का फूल शिव जी पर अर्पित करना लाभदायक रहेगा। मीन राशि। स्वास्थ्य और व्यर्थ का खर्च ध्यान देने योग्य बना रहेगा। धन का सदुपयोग करना समस्याओं से मुक्त रखेगा। कर्म क्षेत्र में अच्छी परिस्थिति बन सकती है और कोई रुका हुआ भुगतान भी प्राप्त हो सकता है। यदि कोई पुराना रोग थोड़ा भी कष्ट दे तो तुरंत उसकी व्यवस्था करना उचित होगा ताकि आगे कष्ट रोका जा सके। दिनांक 3 को मेल मिलाप, 4 को प्रगति, 5 को लाभ, 6 को सुख, 7 को सहयोग, 8 को सामान्य और 9 को खर्च। मीन लगने के लिए सप्ताह सुखप्रद हो सकता है। शुभ दिन 5 से 7 मार्च एवं शुभ अंक 4, 6 और 8। अच्छे परिणाम के लिए पीले केले का दान करना लाभदायक रहेगा।